हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सोभित अग्रवाल। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिन सब का जिस दिन का हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और होली पर हमें ये तोहफा उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया है माध्यमिक शिक्षा सेवा नियमावली को जारी करके। इसमें आपको थोड़ा लगेगा वीडियो लंबा है, लेकिन इसे साथ के साथ एनालाइज करते चलेंगे। तो इसमें यहाँ पर कुछ नाम और टर्म्स लिए हुए हैं, आप इन्हें खुद देख लीजिएगा। संक्षिप्त नाम और प्रारूप, और देखिए यहाँ पर परिभाषाएं। नियुक्ति प्राधिकारी अब ये है, ठीक है, भारत का नागरिक को जो आप सभी इस बात से अवगत हैं। अधिनियम ये चलेगा, 1921 वाला अधिनियम ही चलेगा। और परिषद से तात्पर्य ये है, आयोग से तात्पर्य उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग है। अब माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नहीं रहा, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग है। राज्यपाल का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है। निदेशक का माध्यमिक निदेशक, अपर शिक्षा निदेशक, ये सब यहाँ पर आपको चीज़ें दी गई हैं। मौलिक नियुक्ति, अब मौलिक नियुक्ति का तात्पर्य यहाँ पर किसी पद पर नियम के अनुसार चयन के बाद की गई नियुक्ति से है। जो तदर्थ नियुक्ति ने ये एक परमानेंट नियुक्ति होती है। भर्ती का वर्ष का तात्पर्य है कि जुलाई के पहले दिन से शुरू होने 12 मास की अवधि से है, ठीक है। नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग, ये सब चीज़ें आप सभी यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब यहाँ पर अब भर्ती का स्रोत भी दिया गया है और भर्ती भी दी गई है। अब श्रेणी ए जो है, किसी इंटरमीडिएट कॉलेज का प्रधानाचार्य, हाई स्कूल का प्रधानाध्यापक, ये 100% आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती होगी, ठीक है। और श्रेणी दो होती है प्रवक्ता, जैसे कि आपका खुद का भाई शोभित अग्रवाल प्रवक्ता है, ये श्रेणी दो में आता है। 50% आयोग से होगी, इसमें जिसमें भी बहुत सारा संशय क्रिएट किया गया था लोगों के द्वारा कि आयोग ने आयोग में तो अब नए नियम में तो अब कोई वो रहा ही नहीं, क्या नहीं रहा, प्रमोशन रहा ही नहीं। तो यहाँ पर अब उसकी काट हो गई है, 50% प्रशिक्षित स्नातक एलटी में से जिन्होंने भर्ती के प्रथम दिवस को इस रूप में 5 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो। नियम 6, अधीन पद के लिए विहित अपेक्षित अर्हता रखते हों। अपेक्षित अर्हता का मतलब ये समझ के चले, आपके पास पात्रता होनी चाहिए। आप हाई स्कूल में अगर साइंस से लगे हुए हैं तो इंटरमीडिएट भी आपको प्रमोशन जो मिलेगा वो साइंस में ही मिलेगा। प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी के अध्यापक, यहाँ पर 100% आयोग के माध्यम से भर्ती होगी, किसी भी तरीके की कोई भी झोलझाल वाली भर्ती नहीं होगी। ऐसे इंटरमीडिएट कॉलेज, हाई स्कूल जहाँ संबंध प्राथमिक उत्तर प्रदेश हाई स्कूल इंटरमीडिएट 1971 के उपबंधों अधीन वेतन प्राप्त कर रहे हैं, 75% पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जाएंगे और 25% पद संबद्ध प्राथमिक खंड के ऐसे प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक जो 5 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण किए हों पदोन्नति के माध्यम से भरे जाएंगे। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं और समुचार, सो इसमें आप इसमें समुचार की जो नौकरी होती है, 4th क्लास नौकरी होती है, ये भी आयोग से सीधी भर्ती के द्वारा होगी। यहाँ पर टिप्पणी देखिए, प्राथमिक खंड के अध्यापकों की भर्ती के लिए न्यूनतम अर्हता राष्ट्रीय अध्यापक परिषद NCTE के अनुसार होगी। अब चलिए, यहाँ पर इतना क्लियर किया गया है इंटरमीडिएट में अध्यापकों की कुल संख्या, उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितने की सरकार नियुक्ति प्राधिकारी प्रबंध समिति द्वारा समय समय पर अवधारित की जाए। कोई नया पद जब तक विज्ञापित नहीं किया जाएगा जब तक प्रबंध समिति द्वारा उसके सृजन के लिए समुचित प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त न कर ली जाए। आरक्षण का भी वही रूल है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। नागरिकता, भारत का नागरिक हो, नागरिकता के बारे में यहाँ पर क्लियर किया गया है, भारत का नागरिक होने का। यहाँ पर शैक्षिक अर्हता भी सब क्लियर की गई है। और प्रादेशिक सेवा में न्यूनतम 2 वर्ष की सेवा की हो, ये आपके लिए नहीं है, ये सिर्फ सर्टिफिकेट जो लगाए जाते हैं। अब यहाँ पर आयु पर आते हैं, सीधी भर्ती के लिए आयु कैलेंडर, सीधी भर्ती के लिए रिक्ति आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए। कैलेंडर की 1 जुलाई को 21 वर्ष हो जाना चाहिए और 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर लगेगा बहुत बड़ा झटका। क्यों लगेगा झटका?
अब से पहले क्या था, कोई भी उम्र का ना कोई समय का बंधन था, ना कोई उम्र की सीमा थी। लेकिन अब क्या हो गया, अब उम्र की भी सीमा हो गई और समय का भी बंधन हो गया, 21 साल की उम्र। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। 21 साल की उम्र तो शायद बीएड और बीए करके हो लेते हैं सभी, लेकिन 40 साल के बाद भी बहुत लोग तैयारी कर रहे थे, उनके लिए यहाँ पर झटका होगा। और प्रोबेबली अभी आपको घबराना नहीं है, क्योंकि ये अभी नई भर्ती के लिए ही होगा, अभी नहीं, अभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो परंतु इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रधानाचार्य, हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक के लिए यह आवश्यक है, कैलेंडर वर्ष पदों के रिक्तियों के आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए, पहले 30 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो। देखिए, अगर प्रधानाध्यापक प्रधानाचार्य बन रहा है तो 30 और 40 से अधिक आयु ना हो, मतलब 30 से 40 के बीच के उम्र के ही आप प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य बनेंगे। ये आरक्षण के तहत छूट दी जा सकती है, चरित्र उत्तमी होना चाहिए। और यहाँ पर ये चीज़ें आप खुद देख सकते हैं, वैवाहिक स्थिति आप सभी को पता है, एक से ज़्यादा शादी जो है वो एक्ट में नहीं है कि वो नहीं दे सकता। तो शारीरिक स्वास्थ्य भी होगा जरूर, आपको CMO का सर्टिफिकेट जरूर किसी होगा जरूर जारी कराना होगा अपने लिए, नियुक्ति प्राप्त करने के लिए। बालिका संस्था में किसी पुरुष अभ्यर्थी की नियुक्ति पर रोक रहेगी, मतलब बालिका संस्था में पुरुष नहीं होगा, लेकिन पुरुष वाली में बालिका हो सकती है। रिक्तियों का उदाहरण, आयोग के माध्यम में सीधी भर्ती की प्रक्रिया, ये आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, प्रक्रिया क्या है देख सकते हैं आप। नियुक्ति प्राधिकारी निदेशक माध्यमिक शिक्षा, ये बात ध्यान रखना, पहले क्या होता था, नियुक्ति प्राधिकारी अलग होता था, प्रबंधक को बोला जाता था, लेकिन अब आप राज्य सरकार के अधीन आ चुके हैं। अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक मंडल, संयुक्त शिक्षा निदेशक सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले विषयवार रिक्तियों के साथ साथ अनुसूचित जनजाति जाति अन्य श्रेणी के अभ्यर्थी आरक्षित की रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से भरे जाने वाली रिक्तियों की सूचना उन्हें दी जाएगी। विभिन्न श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क की धनराशि विनिश्चय उत्तर प्रदेश सेवा आयोग द्वारा विहित रीति से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा दिया जाएगा। प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने की अनुमति के लिए आवेदन पत्र आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में प्रकाशित प्रपत्र में आयोग द्वारा आमंत्रित किए जाएंगे। किसी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित तब तक नहीं किया जाएगा जब तक उसके पास आयोग द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र ना हो, और आयोग आवेदन पत्रों की समीक्षा करेगा। प्रवक्ता प्रशिक्षित स्नातक एवं शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों से संबंधित प्राथमिक खंड में अध्यापन हेतु प्राथमिक अध्यापक के पद के संबंध में केवल लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा में 2 घंटे की कालावधि, मतलब प्राथमिक जो ये परीक्षा होगी 2 घंटे की कालावधि, और वस्तुनिष्ठ प्रश्न सामान्य ज्ञान से, और वैकल्पिक प्रश्न जो आपका वैकल्पिक जो आपका विषय है उससे आधार पर अब लिया जाएगा। अब से पहले आप नियुक्ति आसानी से प्राप्त कर लेते थे अपने विषय की जानकारी से, लेकिन अब महोदय आपको सामान्य ज्ञान की भी नॉलेज एक होनी होगी। और एक बहुत बड़ी बात है, आयोग प्रवक्ता प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी एहसास के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय संबंधित प्राथमिक विद्यालय में शिक्षण हेतु प्राथमिक अध्यापक के पद के संबंध में लिखित परीक्षा के परिणाम प्राप्त करने सारणीबद्ध किए जाने के पश्चात नियम 6 यहाँ पर जाति दी गई हैं, समन्वय प्रतिनिधित्व आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ऐसे अभ्यर्थी की सूची तैयार करेगा, इस संबंध में आयोग को मना सूचित कर सके। देखिए, एक और भी बात है, यहाँ पर अब साक्षात्कार भी जो है वो अब समाप्त हो गया है, ना तो TGT में साक्षात्कार है ना ही PGT में है। देखिए यहाँ पर देखिए, इंटरमीडिएट कॉलेज प्रधानाचार्य किसी हाई स्कूल प्रधानाध्यापक के पद के संबंध में लिखित परीक्षा साक्षात्कार आयोजित करेगा। जो प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक होंगे उनके लिए साक्षात्कार और लिखित परीक्षा दोनों होगी, उसके परिणाम के आधार पर आपकी नियुक्ति की जाएगी। फिर उसमें 10% को उनके द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक और 90% जोड़ दिया जाएगा,
तो साक्षात्कार जो होगा 10% और 90% लिखित। तो ये तो प्रधानाचार्य की बात हो गई है। और आयोग लिखित परीक्षा साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों प्रकटित प्रवीणता क्रम में अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार करेगा, उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को संस्तुति करेगा, वह नियुक्ति के लिए उचित समझे। पदोन्नति की प्रक्रिया बता चुका हूं मैं पहले ही आपको। पदोन्नति या करनी है 50% तो प्रमोटेड होंगे पद और 50% आयोग से आएंगे। देखिए, अगर प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी सामाजिक विज्ञान में है, किसी ने किया गया है, तो वो प्रवक्ता बन सकता है, अर्थात भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र, विज्ञान, समाजशास्त्र का। ठीक है, अब दिमाग अपना खोल लेना और स्कूल में जो झगड़े चल रहे थे उन झगड़ों को बंद कर देना। अगर आप विज्ञान में थे तो आप जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान इनके बन सकते हैं। अगर आप गणित के थे तो गणित, रसायन, भौतिक विज्ञान के प्रवक्ता बन सकते हैं। अंग्रेजी का अंग्रेजी में बनेगा, उर्दू का उर्दू में, अरबी का अरबी में, फारसी का फारसी में, हिंदी का हिंदी में। ये बात ध्यान रखना, झगड़ा सारा खत्म हो गया बेटा अब। संस्कृत संस्कृत में, वाणिज्य प्रवक्ता वाणिज्य में बनेगा। अरे यार क्या, ये तो बहुत ही अच्छा किया, ये तो आधी लड़ाई खत्म कर देगा स्कूलों की। देखिए, अध्यापक की विभिन्न श्रेणियों में पदोन्नति के लिए आवश्यक है कि फीडर पोस्ट के अभ्यर्थी के पास पदोन्नति पद हेतु परिशिष्ट खय में संबंधित पद के सम्मुख विनिष्ठ अहर्ता हो। ठीक है, जिस पद पे आप यहाँ पर चयनित हुए हैं आपको यहाँ पर ये मिलेगा। देखिए, सामाजिक विज्ञान वाले को ये सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, ये आपका टीजीटी है और यहाँ पर आप प्रवक्ता बन सकते हैं इन विषय के। और ज्येष्ठता, आप सभी को पता है किस तरीके से ज्येष्ठता निर्धारित होगी। पदोन्नति के मानदंड अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता होगी। ज्येष्ठता, जो ज्येष्ठ होगा वही पहला माना जाएगा। प्रबंधतंत्र उपनियम एक में निर्दिष्ट अध्यापकों की एक सूची तैयार करेगा। उस ज्येष्ठता सूची में एक प्रति सेवा अभिलेख, जिसके अंतर्गत चरित्र पंजिका भी है, नियमावली के परिशिष्ट कै में दिए गए निर्देश में एक विवरण के साथ निरीक्षक को अग्रसरित करेगा। देखिए, यह सब यहाँ पर दिया गया है, आप देख लेना, जो प्रमोशन वाले जो व्यक्ति हैं वे समझ सकते हैं। नियुक्ति, परीक्षा, स्थायीकरण, ज्येष्ठता। नियुक्ति, उपनियम उपबंधों के अध्याधीन नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लेकर जिसमें यथास्थिति नियम 14-15-16 अधीन तैयार की गई सूची में आए हों नियुक्ति करेगा। जहां तक नियुक्ति भर्ती के किसी वर्ष में सीधी भर्ती, पदोन्नति दोनों तरीकों द्वारा की जानी हो, वहाँ नियमित नियुक्ति तब तक न की जाए जब तक दोनों स्रोतों से चयन न कर लिया जाए। नियम 16 अनुसार संयुक्त सूची तैयार कर ली न जाए। यदि एक चयन के संबंध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किए गए हों तो संयुक्त शिक्षा आदेश भी जारी किया जाएगा। व्यक्ति का नाम का उल्लेख चयन में उसी ज्येष्ठता के क्रम में किया जाएगा जैसा कि यथास्थिति चयन में अवधारित किया गया हो, जैसा कि उस संवर्ग में हो पदोन्नत किया गया हो। यदि नियुक्ति सीधी भर्ती, पदोन्नति दोनों प्रकार से की जाए तो नियम 16 विनिष्ट चक्रानुक्रम के अनुसार रखे जाएंगे। परीक्षा अवधि का सबको पता ही है, 1 साल की परीक्षा अवधि होती है, फिर स्थायीकरण हो जाता है उसके बाद। ज्येष्ठता का भी आपको पता चल गया है। वेतनमान का भी ये यहाँ पर ये वेतनमान है, पहले तो तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए, जब यहाँ पर वेतनमान की बात होगी। परीक्षा अवधि में वेतन पूरा मिलेगा, कोई कटता वटता नहीं है इसमें। ठीक है, अनुशासनात्मक कार्रवाई के बारे में अगर बात करेंगे, अब देखिए यहाँ पर अनुशासन, यहाँ पर बहुत बड़ा बवंडर उठाया जा रहा था। किसी असास के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य या उप प्रधानाचार्य, प्रधान अध्यापक, प्रवक्ता, प्रशिक्षित स्नातक
श्रेणी अध्यापक या संबंध प्राथमिक खंड के प्राथमिक अध्यापक का निलंबन, अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक मंडल से संयुक्त शिक्षा निदेशक के लिखित अनुमोदन के बिना 60 दिन के पश्चात प्रभावी नहीं हो सकता। पहले कह रहे थे ना कि प्रबंधन तंत्र जो है ये कर सकता है, वो कर सकता है, ये कर सकता है, प्रबंधन तंत्र हटा देगा, लगा देगा। अब तो उनकी जो ताकत थी वो भी ख़त्म कर दी गवर्नमेंट ने। आपको ये मान के चलिए आप गवर्नमेंट ऑलमोस्ट आप गवर्नमेंट राजकीयकरण की तरफ अब आप चल पड़े हो। अपर शिक्षा निदेशक मंडल संयुक्त शिक्षा निदेशक के लिखित अनुमोदन के बिना किसी एहसास के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय के किसी प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता यहाँ पर पदच्युत नहीं किया जाएगा, नहीं परिलब्धियों में कमी कर सकते हैं। ये नीचे दिया गया। चलिए तो आई थिंक आपने काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर कर ली होगी। मैंने पूरा फिर भी आपको पढ़ के बताया, कुछ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो जो आप आपके लिए मैटर है। लेकिन जो मुख्य जो बात है वो बात है कि अब नौकरी की जो उम्र है 21 से 40 साल की उम्र है, और प्रधानाचार्य का जो होगा वो रिटर्न और इंटरव्यू बेस होगा। 40 वर्ष इसकी लास्ट उम्र है प्रधानाचार्य बनने की। अब इसके बाद प्रधानाचार्य आप नहीं बन सकेंगे, तो 40 साल तक आप प्रधानाचार्य आप बन सकते हैं। और प्रबंधक के हाथों में कुछ नहीं रहा, अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक और जे डी वगैरह जो होते हैं इनके माध्यम से। अब पहले DIS था, अब DIS से भी ऊपर की तरफ इन्होंने कदम उठा लिया। पहले DIS अनुमोदन करता था, DIS के हाथ में पावर थी, DIS के हाथों से पावर लेकर इन्होंने अब JD के हाथ में पावर डाल दी और स्ट्रॉन्ग कर दिया अब आपको पहले से भी ज़्यादा। अब अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक की संस्तुति लेनी पड़ेगी, कोई भी कार्यवाही करनी पड़ेगी, यानी तो 60 दिन के अंदर अंदर वो निष्प्रभावी हो जाएगी। और TGT PGT में किसी भी प्रकार का कोई भी साक्षात्कार जो है वो नहीं रहा। ठीक है, तो आई थिंक आप सभी ने क्लियर कर लिया होगा। इसका अगर आपको PDF चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल का, उसे आप फॉलो कर लें, वहाँ पर इसका आपको PDF भी मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। और सबसे पहली बात, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट। थैंक यू, बाय।